हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग को ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा थ्रू आउट दी सब्जेक्ट काम आता है इसमें हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की लोडिंग जो हम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मंबर के ऊपर तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप की लोडिंग है जो हम कर सकते हैं इस मेम्बर पर चल तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेसन को तो पहले टाइप के लोडिंग अगर हम देखें जो हम कर सकते हैं सो फर्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग वी हैव डेट इज नोन एज यूनि एक्सियल यूनि एक्ल लोडिंग तो ये हमारा पहला टाइप का लोडिंग है तो उसमें देखते हैं हम यूनि एक्जियल लोडिंग एक्चुअली में क्या होता है तो पहले हम इसके लिए एक बेसिक सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा एक कोई भी मेंबर है और इस पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये हुआ हमारा कोई मेंबर। इस पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर अगर हम लोड अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस लोड के कारण कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होता है हमारा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डेट इज नोन एज सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स बेसिकली स्ट्रेस कहलाता है जो कि हमारा डेवलप हुआ है एक्स डायरेक्शन के अंदर तो उसको समझने के लिए हमें कॉर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा कॉर्डिनेट सिस्टम है दिस इज आवर एक्स एक्सिस दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस तो ये हमारा कॉर्डिनेट सिस्टम है हमने जो लोड अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है एक्स डायरेक्शन में तो इसको अगर हम और अच्छे से समझे कि स्ट्रेस डेवलप किस तरीके से हो रहा है तो ये कोई हमारा सिंपल सा मेंबर था तो इस मेंबर के ऊपर अगर हम लोड अप्लाई करते हैं एक्स डायरेक्शन में ये हमारी एक्स डायरेक्शन थी और इसी एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने इस मेंबर के ऊपर कोई लोड अप्लाई में जैसे कि ये मेंबर जो है वो कंस्ट्रेंड है ये मूव नहीं कर सकता है एक्स डायरेक्शन के अंदर तो उसी के कारण ये जो मटेरियल है या जो ये मेंबर है वो पेन फील करेगा अपने अंदर और उसी पेन को हम बोलते हैं स्ट्रेस तो इस पर्टिकुलर लोड के कारण जो कि हमने एक्स डायरेक्शन के अंदर लगाया उसके कारण कुछ स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में उस स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा एक्स से तो अगर हम बात करें यूनी एक्जे लोडिंग की सो so, यूनी एक्जे लोडिंग इज बेसिकली डेट टाइप ऑफ लोडिंग जिसके अंदर हम लोड अप्लाई करते हैं केवल एक केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारी कुछ भी हो सकती है तो वो जो डायरेक्शन हमारी वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इट कैन बी आइदर एक्स डायरेक्शन और इट कैन बी आइदर वाई डायरेक्शन और इट कैन बी आइदर जेड डायरेक्शन ऑल्सो पर ये कन्फर्म है कि जो लोड हम अप्लाई करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में होगा डैट्स वाई दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज यूनी एक्जिल लोडिंग यूनी का मतलब ये होता है सिंगल और एक्जल मतलब हम जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्ल डायरेक्शन सो डैट्स वाई दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज यूनीग्जिल लोडिंग तो इसके अंदर अगर हम देखना चाहें कि जो स्ट्रेन हमारे डेवलप हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी x में y में z में बेसिकली में देखना है कि जीरो है नॉन जीरो है सिमिलरली में स्ट्रेस को देखना होगा तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन x डायरेक्शन तो x डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई करा है तो इस लोड अप्लाई करने के कारण डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलोंगेशन आया होगा हमारे इस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर तो ये कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा डायमेंशन में स्ट्रेन का मतलब क्या होता है स्ट्रेन मीन्स चेंज इन डायमेंशन ओके सो स्ट्रेन सिंपली रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन डायमेंशन तो ये खासकर नॉर्मल स्ट्रेन है तो नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन साइज या फिर चेंज इन डायमेंशन तो एक्स डायरेक्शन में तुमने लोड अप्लाई कराया तो उसके कारण कुछ ना कुछ चेंज हुआ है डायमेंशन में तो जो स्ट्रेन होगा मेरा एक्स डायरेक्शन में इट विल भी नॉन जीरो अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन को हमें खासकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा तो अगर हम एक इसी फिगर में कंसिडर करने की कोशिश करें या एक सेपरेट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये हमारा एक फिगर था इसके ऊपर हमने कोई लोड अप्लाई करा लेट अस सपोज डेट पर्टिकुलर लोड इज पी और ये जो मेंबर था हमारा इट इज़ कंस्ट्रेन था एक एट इट्स फ्री एंड तो इस लोड के कारण देयर विल बी सम इलॉन्गेशन इन एक्स डायरेक्शन तो ये हुआ हमारा इलॉन्गेशन इन एक्स डायरेक्शन तो इसी पर्टिकुलर फिगर में अगर हम देखना चाहें तो ये था हमारा इनिशियल शेप बिफोर लोडिंग यानी कि लोड अप्लाई करने से पहले जो हमारा शेप था या जो हमारा एक्चुअल uh, साइज था मेंबर का वो ये था लोड अप्लाई करने के बाद वो जो हमारा मेंबर था वो कुछ यहां पहुंच गया इतना इलांगेशन होता नहीं है ये हम थोड़ा एग्जिगरेटेड व्यू देख रहे हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके तो ये थी मेरी फाइनल शेप इसी पर्टिकुलर मेंबर की आफ्टर द डिफॉर्मेशन तो इस पर्टिकुलर मेंबर में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें ये वाली जो लेंथ थी हमारी ये हमारी लेंथ मान लेते हैं ये थी बी और डिफॉर्मेशन के बाद ये जो लेंथ हुई हमारी ये हुई बी डैश तो अगर हम ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करें तो ये जो बी डैश की वैल्यू है वो हमारी क्या है बी से कम है ये हमें साफ दिख रहा है अगर बी डैश की वैल्यू बी से कम है डेट मीन्स देर विल बी चेंज इन डायमेंशन ऑल्सो इन वाई डायरेक्शन क्योंकि ये जो डायरेक्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सो डेफिनेटली देर विल बी वाई डायरेक्शन ऑल्सो अगर चेंज डायमेंशन का हुआ वाई डायरेक्शन में इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेन वाई डायरेक्शन के अंदर भी रहा होगा सो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन विल बी नॉन ज़ीरो और बी डैश की वैल्यू क्या है बी से कम है स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन डायमेंशन तो फाइनल माइनस इनिशियल जैसे कि ये कम है और ये हमारा ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो रहेगी नेगेटिव ये हम देखेंगे कि आगे स्ट्रेन uh, की वैल्यू क्या होगी तो वो हम देखेंगे बाद में अगर हम देखें द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन सिमिलरली जैसे हमने लोड अप्लाई करा तो मेंबर एक्सटेंड करेगा और वाई के अंदर क्या आएगा डिक्रीमेंट आएगा लेंथ में सिमिलरली जेड में भी क्या आएगा डिक्रीमेंट आएगा तो जेड के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है डायमेंशन के अंदर देयर फोर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन विल ऑल्सो भी इक्वल टू नॉन जीरो अब हमें देखना है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस सो सिग्मा सिमाक्स की बात करें सिग्मा एक्स तो हमें दिख ही रहा है कि साफ साफ डेवलप हो रहा है क्योंकि ये हमने लोड अप्लाई करा था इस मेंबर पर पी और ये मेंबर क्या था कंस्ट्रेंट था इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता था इसी के कारण कुछ स्ट्रेस डेवलप हुआ हमारा एक्स डायरेक्शन में तो वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स विल बी नॉन जीरो अगर हम देखें सिग्मा वाई सिग्मा वाई मीन्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन तो वाई डायरेक्शन में हमारा मेंबर क्या था फ्री था फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री टू एक्सपेंड यानी कि हमारा मेंबर जो है वो फ्रीली एक्सपेंड भी कर सकता है और फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है therefore the value of stress in y direction will be zero similarly the value of stress in z direction will be zero अब ये zero क्यों हुए हैं इसको समझने के लिए हमें एक point समझना पड़ेगा तो वो point मैं एक बार लिख देता हूँ the point is if the strain is constrained और रिस्ट्रिक्टेड देन स्ट्रेस डेवलप्स इन द बॉडी तो डेफिनेटली यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्ट्रेन होता है वही मेन कारण होता है हमारे स्ट्रेस का ओके तो जब तक हम स्ट्रेन को कंस्ट्रेन नहीं करते हैं यह था हमारा स्ट्रेन की वर्ड जो हमारे स्ट्रेन है और ये कंस्ट्रेन या फिर रिस्ट्रिक्टेड तो अगर हमारा स्ट्रेन कंस्ट्रेन है या रिस्ट्रिक्टेड है तभी कुछ ना कुछ हमारा स्ट्रेस जो होगा वो डेवलप होगा हमारी ऑब्जेक्ट में या फिर एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर तो यही मेन कारण होता है हमारे स्ट्रेस के डेवलप होने का तभी हम लिखते हैं कि स्ट्रेन जो होता है मेन कॉज होता है हमारे स्ट्रेस का यानी कि अगर हम स्ट्रेन को क्या करें अनकंस्ट्रेन यानी कि स्ट्रेन अनकंस्ट्रेन है अनरिस्ट्रिक्टेड है जितना चाहे हमारा मेंबर एक्सपेंड कर सकता है जितना चाहे हमारा मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो उस केस में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा हमारे बॉडी में तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो हमने देखा यूनि लोडिंग में हमने जो कंस्टेंट लिखा है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लिखा है वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई कंस्टेंट नहीं है हमारा मेंबर क्या है फ्री टू एक्सपेंड या फिर फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट है देयरफॉर जब भी कोई मेंबर फ्री टू एक्सपेंड होगा या या फिर फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में जो वैल्यू होगी स्ट्रेस की इट विल बी इक्वल टू जीरो तो इसलिए हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो अब हमें देखना है कि इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी तो हम एक इक्वेशन जानते हैं डेट तो यंग्स मॉडुलस हमने माना है इस पर्टिकुलर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस क्या होता है इट इस डिफाइन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तो अगर हम देखें जो हमारा स्ट्रेस है वो किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर डेवलप हो रहा है सो वी कैन राइट एप्सिलोन इज इक्वल टू सिग्मा बाई तो यहां से अगर हम देखना चाहें द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन की एक्स डायरेक्शन में हमारा कितना स्ट्रेन डेवलप होगा इट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई तो ये हमारा बताएगा द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारा कितना स्ट्रेन डेवलप होगा इसके अलावा हमने एक टर्म पढ़ा था पॉइजन्स रेशियो का पॉइजन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए सो so, पॉइजन रेशियो हमारा होता क्या है एक बार मैं और डिफाइन कर देता हूँ इट इज जनरली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रीन टू डेट ऑफ लॉन्गिट्यूनल स्ट्रीन तो ये बेसिकली हमारा रेशियो की डेफिनेशन होती है जो कि हमारा रेशियो होता है नेगेटिव ऑफ लेटर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडल तो ये हमारी डेफिनेशन uh, है रेशियो जो हमने यहाँ पर नोट किया है तो अगर हम अज्यूम करें या जनरली अलॉन्ग लेंथ यानी कि लेंथ वाइज होता है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को जनरली हम क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज आवर लॉन्गिट्यूनल डायरेक्शन जो अलोंग द लेंथ वाइज होता है यानी कि अलोंग द लेंथ होती है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को बोला जाता है हमारा लॉन्गिट्यूनल डायरेक्शन एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्स के जो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है यानी कि इस लॉन्गिट्यूनल डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर है वाई एंड जेड दे आर जनरली नोन एज लेटरल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शंस ओके तो यहाँ से हम देख सकते हैं म्यू डेट इज द पॉइजन रेशियो इट कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लेटरल लेटरल मीन्स इन दो डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ सो इट कैन बी रिटर्न माइनस एपसीलॉन वाई डिवाइडेड बाई एप्सीलॉन एक्स या फिर म्यू कैन ऑल्सो भी रिटर्न एप्सिलॉन जेड डिवाइडेड बाई एपसीलोन एक्स बिकॉज वाई एंड जेड बोथ आर लेटरल डायरेक्शन इसलिए म्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो अगर हमें देखना है जो हमारा स्ट्रेन होगा वाई डायरेक्शन में वो कितना होगा सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन वाई डायरेक्शन विल बी माइनस का म्यू इंटू में एप्सिलोन एक्स एंड अगर हम यहां पर देखें द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इट विल बी माइनस म्यू टाइम्स एप्सिलोन एक्स एप्सिलोन एक्स की वैल्यू भी ये हमने देखी सिग्मा एक्स बाई ई फॉर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एज माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई तो ये होगा हमारा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन

तो उसका रिजल्ट हमारा क्या मिला उसका रिजल्ट मिला हमें ट्राई स्ट्रेन यानी कि तीनों डायरेक्शन में हमारा डायमेंशन चेंज हो रहा है हमारी एक्स डायरेक्शन में भी डायमेंशन चेंज हुआ कितना, कितना? वाई डायरेक्शन में भी हमारा डायमेंशन चेंज हुआ हमने यहां से निकाला जेड डायरेक्शन में भी हमारा डायमेंशन चेंज हुआ हमने यहां से निकाला तो जो एक्स डायरेक्शन में हमारा डायमेंशन चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर इफेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट सो दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज डायरेक्ट इफेक्ट क्योंकि लोड हमारा किस डायरेक्शन में था एक्स डायरेक्शन में था तो इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन चेंज हुआ वो हम यहां से निकालेंगे इज इन एक्स डायरेक्शन जो कि डायरेक्ट इफेक्ट के कारण आएगा पर अगर हम देखें वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में तो वाई और जेड में तो हमने कोई लोड अप्लाई करा नहीं पर उसके बावजूद हमें क्या देखने को मिल रहा है देर इज सम चेंज इन डायमेंशन इन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन तो इन दोनों का जो इफेक्ट होता है जो भी डायमेंशन चेंज हमें देखने को मिल रहा है वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इट इज ड्यू टू पॉइजन इफेक्ट तो इसको हम जनरली बोलते हैं पॉइजन इफेक्ट ओके तो ये हमारा स्ट्रेन एक्स में ये हमारा स्ट्रेन वाई में और ये हमारा स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में तो हम देख चुके हैं यूनियक् लोडिंग का केस अब हमें देखना है दूसरी टाइप की लोडिंग जो हम अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या फिर एक पर्टिकुलर में सो सेकंड टाइप ऑफ लोडिंग वी हैव इट इज नोन एज बाई एक्लूडिंग दिस इज नोन एज बाई लोडिंग। नाम से हम समझ सकते हैं बाई मीन्स uh, दो यानी कि अब जो लोडिंग अप्लाई की जाएगी वो दो डायरेक्शन में की जाएगी तो वो जो दो डायरेक्शन है वो हमारी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम एक कोर्डिनेट सिस्टम डेवलप करें दिस इज आवर एक्स एक्सेस दिस इज आवर वाई एक्सेस एंड दिस इज आवर जेड एक्सेस और वही अगर हम एक कोई मेम्बर एज्यूम करते हैं दिस इज आवर एनी जिसके ऊपर हम ये बाइग जे लोडिंग अप्लाई करेंगे तो ये था हमारा कोई भी मेम्बर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करा लोडिंग लोडिंग बाइक्स अब जो लोड होगा हमारा वो अप्लाई किया जाएगा दो डायरेक्शन के अंदर तो मान लेते हैं वो जो लोड हमारा वो अप्लाई किया गया एक एक्स डायरेक्शन एक में और एक वाई डायरेक्शन में तो उस लोड के कारण कुछ स्ट्रेन आया उस स्ट्रेन को हमने क्या करा कंस्ट्रेन करा उस कंस्ट्रेन स्ट्रेन की वजह से कुछ स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो तो ये है हमारा सिग्मा एक्स दैट इज द स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन सिमिलरली वी कैन सी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो तो ये हमारा सिग्मा वाई ठीक है सो दैट इज द केस ऑफ बाई एक् लोडिंग हेयर वी आर अप्लाइंग लोड इन ओनली टू डायरेक्शन वो टू डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इट कैन बी एक्स वाई इट कैन बी एक्सड इट कैन बी वाई जेड ऑल्सो तो जल्द जरूरी नहीं है कि वो एक्स वाई ही रहेगी तो ये हुआ हमारा बाइक जी लोडिंग का केस सिमिलरली जैसे हमने पिछले केस में देखा था हमें देखना था वट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एक्स डायरेक्शन इन वाइट डायरेक्शन जेड डायरेक्शन एंड स्ट्रेस देखना था वो जीरो होगा या नहीं होगा तो पहले अगर हम देखें स्ट्रेन uh, को सो एप्सिल एक्स एप्सीलोन एक्स मीन्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ये तो दिख ही रहा है कि एक्स डायरेक्शन में तो हमने लोड अप्लाई कराई है तो उस लोड अप्लाई करने के कारण कुछ चेंज तो होगा ही डायरेक्टली तो स्ट्रेन एक्स में तो होगा नॉन ज़ीरो वाई में देखें अगेन वी आर अपलाइंग सम लोड इन वाई डायरेक्शन सो डेफिनेटली द स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन नॉन जीरो अगर हम देखें जेड डायरेक्शन में सो जेड डायरेक्शन में क्या है कोई लोड हमने अप्लाई नहीं करा है बट सिग्मा सिग्माइक्स जैसे कि टेंजाइल है तो इस टें लोड के कारण देर विल बी सम इलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन एट द सेम टाइम देर विल बी सम कंप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन uh, हमें देखने को मिलेगा जेड डायरेक्शन में तो डेफिनेटली देर विल बी समय ऑल्सो इन जेड डायरेक्शन बात करें स्ट्रेस की तो दिखी रहा है सिग्मा एक्स तो नॉन जीरो है सिग्मा वाई भी हमारा क्या है नॉन जीरो की सो so, सिग्मा जेड मीन्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन पर यहां से हम देख सकते हैं हमने जो लोड अप्लाई करा है वो केवल दो डायरेक्शन में करा है एक्स और वाई में और स्ट्रेस हमारा जो डेवलप हुआ है वो एक्स और वाई में हुआ है क्यों क्योंकि एक्स और वाई में हमने कुछ कर रखा होगा में कंस्ट्रेंट ओके okay. जैसे कि यह हमारा कुछ मेंबर हुआ होगा इट इज कंस्ट्रेन टू मूव इन एक्स डायरेक्शन सिमिलरली देर विल बी सम कंस्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो तो इसी uh, की वजह से कुछ स्ट्रेस हमारा डेवलप हुआ एक्स और वाई में बट अगर हम बात करें इस जेड डायरेक्शन की सो इन द जेड डायरेक्शन द मेंबर इज फ्री टू एक्सपेंड एंड फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मेंबर हमारा फ्री टू फ्रीली एक्सपेंड भी कर सकता है फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है तो जब भी फ्री एक्सपेंशन या फ्री कॉन्ट्रेक्शन का केस आता है उस केस में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता हमारे मेंबर में तो वैल्यू होगी सिग्मा जेड की जीरो ओके अब हमें क्या देखा अब हमें क्या देखना है कि इन इंडिविजुअल स्ट्रीन्स की वैल्यू क्या है एप्सिलोन एक्स कितना होगा एप्सिलोन वाई कितना होगा और एप्सिलोन जेड कितना होगा तो उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे जो सिग्मा एक्स है दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन तो इसका हम इंडिविजुअल इफेक्ट देखेंगे जैसे कि हमने कुछ लोड अप्लाई करा एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई करने के बाद हमने मेंबर को कर दिया कंस्ट्रेंट और उस कंस्ट्रेंट के कारण कुछ डेवलप हुआ हमारा स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई करने के कारण कुछ इलांगेशन हुआ होगा सो so डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रेन तो रहा होगा एक्स डायरेक्शन में तो ये एप्सिलोन एक्स की वैल्यू कहा से निकाल सकते हैं हम जानते हैं यंग्स मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी को दैट इट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन सो वैल्यू ऑफ एप्सिलोन कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू सिगमा बाई तो हमें क्या पता करना है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इट विल बी सिग्मा एक्स बाई ई तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट इफेक्ट क्योंकि लोड भी हमारा एक्स में था और हमें चेंज चाहिए था डायमेंशन का एक्स डायरेक्शन में तो ये तो हम डायरेक्ट इफेक्ट निकाल कर और लिख सकते हैं अगर हम देखें जब स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में था तो क्या कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा हमारा वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में बिल्कुल तो ये जो स्ट्रेन है वाई डायरेक्शन में ये कितना होगा ये होगा हमारा माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई के इक्वल ये हमारा इफेक्ट के कारण दिस इफेक्ट इफेक्ट इज नोन एज जो हमने ऑलरेडी के अंदर डिस्कस किया है सिमिलरली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन अगेन इट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ बिकॉज वी नो म्यू

तो यहाँ से अगर हम एप्सिलन वाई निकालें और एप्सिलन जेड निकालें तो हमें यही मिलेगा ओके okay. तो ये था हमारा सिग्मा एक्स का इफेक्ट पर क्या ये खाली सिग्मा एक्स का इफेक्ट देखेंगे नहीं हमें सिग्मा वाई का इफेक्ट भी देखना है बिकॉज इट इज द केस ऑफ बाई एक्स लोडिंग सो नाउ वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ सिग्मा वाई जैसे कि हमने लोड अप्लाई करा वाई में तो डेफिनेटली कुछ हमारा डिफॉर्मेशन हुआ होगा वा वाई डायरेक्शन में कुछ चेंज आया होगा डायमेंशन में तो वो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके टली देर विल बी समायरेक्ट इफेक्ट या फिर डायरेक्ट इफेक्ट होगा सिग्मा वाई का वाई डायरेक्शन में जो कि हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इट विल बीवल टू सिग्मा वाई बाई अगर हम देखें वाई में हमने लगाया लोड भाई में आया स्ट्रेस तो उसका कोई इफेक्ट आएगा एक्स और वाई में एक्स और जेड में बिल्कुल वो हम निकालेंगे पॉइजनस इफेक्ट के कारण सो हेयर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन अगेन इट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई इस केस में हमने लोड जो अप्लाई करा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कराए तो अब जो हमारी लॉन्गिट्यूनल डायरेक्शन बनेगी वो ये बन जाएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए तो अब हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे अब हम लिखेंगे म्यू विच इज डिफाइन एज नेगेटिव ऑफ लिटरल स्ट्रेन अब जिस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई करा है वो हमारा बन जाएगा लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन तो एप्सिलोन वाई तो हमारा आ गया नीचे बाकी जो बची दो डायरेक्शन है वो होंगी लिटरलोन एक्स या फिर जेड वाई नेगेटिव तो होगा ही एप्सिलोन तो एक्स निकालेंगे सेम हमें यहां से मिल जाएगा एप्सिलोन जेड निकालेंगे हमें यही मिलेगा तो ये हो गया हमारा सिग्मा एक्स का इफेक्ट ये हो गया हमारा सिग्मा वाई का इफेक्ट पर हमें इंडिविजुअल नहीं कंसीडर करना था हमें देखना था टोटल स्ट्रेन क्या है एक्स में टोटल स्ट्रेन क्या है वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन क्या है जेड डायरेक्शन में ये हमें स्टडी करना है सो इफ वी टू सी द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन तो सिग्मा एक्स के कारण तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा इट विल बी सिग्मा एक्स बाई और सिग्मा वाई के कारण होगा पॉइजन इफेक्ट सो यहां पर हम लिखेंगे माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन similarly we can write the value of total strain in y direction y direction may direct effect current may change the dimensions may it will be sigma y by e or sigma x current e there will be a Poisson's effect so it will be minus mu sigma x by e equal cool. so this will be the value of total strain in y direction now if we want to write the value of

वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ओके नाउ वी हैव टू स्टडी ट्राई एक्सलोडिंग सो ट्राई एक्जी लोडिंग मीन इसमें यहाँ पर जो लोड अप्लाई करेंगे वो तीनों डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी लोड होगा वाई में भी लोड होगा जेड में भी लोड होगा और स्ट्रेन क्या होगा तीनों डायरेक्शन में होगा देर विल भी सम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन यानी कि लोड भी हमने तीनों डायरेक्शन में अप्लाई करा है कंस्ट्रेन भी हमने तीनों डायरेक्शन में किया है तो उसके कारण जो हमारा स्ट्रेस होगा वो भी तीनों डायरेक्शन में डेवलप होगा सो इट विल बी सिग्मा एक्स दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन सिमिलरली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन इट विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई दैट इज नोन एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन एंड सिमिलरली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन ऑल्सो तो गाय जरूरी नहीं कि जो स्ट्रेसेस होंगे हमारे सारे के सारे टेंसाइल होंगे मैंने केस कंसिडर करा है दिस स्ट्रेसेस कैन आई इधर भी कम्प्रेसिव ऑल्सो वो डिपेंड करेगा कि हमने लोडिंग किस टाइप की है मैंने मान के चला कि जो लोडिंग मैंने करी है वो सारी टेंसाइल लोडिंग है इसी कारण जो स्ट्रेसेस हमारे डेवलप हुए दे ऑल विल बी आवर टेंसाइल स्ट्रेसेस फिर से हमें क्या कंसिडर करना है पता करना है एप्सिलोन एक्स क्या होगा आ, देख सकते हैं कि एक्स में तो लोड अप्लाई है तो कुछ चेंज तो होगा ही डायमेंशन का वाई में देखें अगेन एप्सिलोन वाई विल बी नॉट ज़ीरो z में देखें इट विल ऑल्सो भी नॉट जीरो सिग्मा एक ये तो हमें दिख ही रहा है नॉट जीरो है सिग्मा वाई ये भी नॉन जीरो है सिग्मा जेड ये भी हमारा नॉन नॉन जीरो है क्यों क्योंकि हमने लोड अप्लाई करा है तीनों डायरेक्शन में और कंस्ट्रेंट भी हमने प्रोवाइड करा है तीनों डायरेक्शन में यानी कि ये जो एक्स डायरेक्शन है इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट ये जो हमारी वाई डायरेक्शन है इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट और ये जो हमारी जेड डायरेक्शन है इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट यानी कि ये जो मेंबर है पूरी तरीके से कंस्ट्रेंट है कहीं पर आ, हमने ऑप्शन नहीं छोड़ा ना तो फ्री एक्सपेंशन का ना तो फ्री कॉन्ट्रैक्शन का तो इसीलिए जो स्ट्रेस हमारा डेवलप हुआ वो तीनों डायरेक्शन में हुआ एक्स भी नॉन जीरो सिंगमा वाई भी नॉन जीरो और सिंगमल जेड भी हमारा नॉन जीरो रहेगा तो इसमें हमें देखना है कि जो वैल्यू हमारी होंगी वो हमारी कितनी रहेंगी तो इसमें हमें जैसे हमने पहले देखा था इंडिविजुअली एक्स का इफेक्ट सिंगमा वाई का इफेक्ट सिंगमल जेड का इफेक्ट तो वही हम पर दोबारा देख सकते हैं तो अगर मैं स्टडी करूँ सिर्फ सिग्मा एक्स के इफेक्ट को सिग्मा एक्स है तो इसके कारण तो हमारा डायरेक्ट चेंज होगा एक्स के अंदर तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इफेक्ट तो एफ्सिलोन एक्स की वैल्यू यहाँ से देखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बाई क्यू बिकॉज यंग्स मॉडल्स होता है हमारा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू लिखें सो तो इट विल बी सिग्मा के सो बाईल सिग्मा एक्स बाई तो ई लोड हमने लगाया एक्स में स्ट्रेस हमारा एक्स में पर उसके कारण वाई और जेड में क्या होगा कुछ ना कुछ चेंज होगा डायमेंशन में क्यू बिकॉज ऑफ पॉइजन इफेक्ट सो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वाई विल बी माइनस का म्यू सिग्मा एक्स बाई ई सिमिलरली द दर विल बी सम स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन अगेन इट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई अब हम देखते हैं सिग्मा वाई का इफेक्ट क्या होगा वाई में क्या होगा लोड हमने अप्लाई कराए तो सो डेफिनेटली देर विल बी सम डायरेक्ट इफेक्ट इस पर्टिकुलर लोड का वाई में तो एप्सल वाई होगा यानी कि स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन विच कैन बी सिंपली रिटर्न एज सिग्मा वाई बाई ई अगर हम देखें एक्स के अंदर तो एक्स और जेड के अंदर क्या होगा पॉइजनस इफेक्ट होगा क्योंकि अब जो लोड हमारा लग रहा है वो लग रहा है वाई डायरेक्शन में सो इट विल बी माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द स्ट्रेन इन जेड इट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई अब हमें इफेक्ट देखना है सिग्मा जेड का क्योंकि ये ट्राई एक् लोडिंग है तीनों डायरेक्शन में लोड है तीनों डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है सो so डेफिनेटली अब जो आ, सिग्मा जेड है वो भी हमारा डेवलप होगा इस मेंबर में सो so, सिग्मा जेड जैसे कि लोड हमने लगाया जेड में तो डेफिनेटली देर बी सम डायरेक्ट इफेक्ट इन जेड डायरेक्शन और वह हम लिख सकते हैं सिग्मा जेड बाई के इक्वल जेड में लोड है तो वाई आ, और एक्स में क्या होगा देर विल बी सम पॉइजन इफेक्ट सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी माइनस म्यू सिग्मा जेड ई एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन विल बी माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई पर हमें इंडिविजुअल इफेक्ट्स थोड़ी देखने थे हमें देखना था टोटल स्ट्रेन क्या है एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन क्या है वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन क्या है जेड डायरेक्शन में देअ फोर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एज ये डायरेक्ट इफेक्ट सिग्मा एक्स बाई माइनस इसका पॉइजन इफेक्ट म्यू सिग्मा वाई ई और जेड का पॉइजन इफेक्ट माइनस म्यू सिग्मा जेड ई ओके सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में डायरेक्ट लोड था So, there will be direct effect. For x k current poisons effect, minus ka mu sigma x by e, or first z k current poisons effect, that is minus mu sigma z by e. So, this will be the value of total strain in y direction. Similarly, if we want to write the value of total strain in z direction, Z direction be direct on a load, so there will be some direct effect sigma z by e x k current poisons effect, so it will be minus mu sigma x by e, and y k current be which poisons effect that is minus mu sigma y by e. So this will be the value of total strain in z direction. तो ये था इस आज का वीडियो जिसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग यूनियक् जे लोडिंग जिसमें लोड सिंगल डायरेक्शन में बाइक जे लोडिंग लोडिंग दो डायरेक्शन में की जाएगी ट्रैक जी लोडिंग तीनों डायरेक्शन में हमारा लोड अप्लाई किया जाएगा उसमें भी हमने देखा स्ट्रेन uh, किस तरीके से डेवलप होते हैं कौन सा स्ट्रेन जीरो है कौन सा स्ट्रेन नॉन जीरो है कौन सा स्ट्रेस जीरो है कौन सा स्ट्रेस नॉन जीरो है और फिर फर्दर हमने उनकी वैल्यूज भी डिटरमाइन करी डिफरेंट डिफरेंट केस ऑफ लोडिंग के केसेस के लिए सो आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू एवरी वन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू